नमस्कार। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। शंकु जिसको हम कोन बोलते हैं इंग्लिश में, आपने आइसक्रीम खाई होगी कोन के अंदर, वो एक शंक्वाकार ही होता है। किस तरह की उसकी आकृति होती है? इस तरह की। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है और फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार हुआ है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल से जानकारी लेंगे। तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, आर, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई। जोकर की टोपी होती है वो भी इसी का ही एक उदाहरण है, H, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये सीधी ऊंचाई, ये त्रिक ऊंचाई, ये क्या है, त्रिज्या। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का यानी कोण का। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर और एल, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट शुरू आर प्लस एल। अब ये फॉर्मूले किस प्रकार से, ये एल इसमें इंक्लूड हुआ, आर इसमें इंक्लूड हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि शंकु का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकाला जाता है और फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार हुआ। ये देखिए, ये एक शंकु है, मैंने बनाया है शंकु इस प्रकार का, जैसे जोकर की टोपी है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे देखेंगे, ये देखिए ये कैसा है, वृत्ताकार। और ये अगर हम देखें तो ये इसकी एल है, त्रिक ऊंचाई क्या है, एल। इन दोनों का रोल है, एक तो किसका, इसका जो इसकी परिधि है, सरकमफेरेंस है, जो इसका आधार है, आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार। तो आइए देखते हैं। तो मैं आपके सामने इसको एक रेक्टेंगल की तरह बनाऊंगा, ये देखिए, इसके मैं पीस करूं छोटे छोटे तो इस तरह के पीस हो जाएंगे, इस तरह के, ऐसे सारे सारे के काट लूं तो किस तरह के पीस हो जाएंगे, इस तरह के पीसीज हो जाएंगे। तो इस तरह के पीसीज को मैं इस तरह से अगर ज्वाइंट कराऊं, ये हो गया सीधा, और इसको लगाऊंगा मैं उल्टा, क्या लगाऊंगा, उल्टा, यानी कि इस तरह से सीधा और दूसरा उल्टा, आप समझने की कोशिश करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से इस सारे के मैं पीसीज करके ऐसे टुकड़े जोड़ूंगा। ये देखिए, अब ये मैंने इतनी आकृति बना दी जो समझाने के लिए काफी है। अब देखिए ये क्या थी, शंकु की ये क्या थी, त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई हमने कितनी ली हुई है, L, तो ये कितनी होगी, L। अच्छा ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, देखिए ये कहां से कट के आया है, ये ऊपर से, कहां से कट के आया है, ये ऊपर से कट के आया है, आधार जो था वृत्ताकार था वहां से कट के आया है। तो वृत्ताकार की, वृत्ताकार आधार का परिमाप मतलब घेरा कितना होता है, दो पाई आर। लेकिन आधे मैंने नीचे लगाए और आधे मैंने ऊपर, आधे नीचे आधे ऊपर, आधे नीचे आधे ऊपर, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर, कितना, पाई आर, यानी कि पाई आर नीचे आ गया, पाई आर ऊपर आ गया, दोनों कितने हो गए, दो पाई आर प्लस, देख रहे हैं। अब ये आपको कैसा नजर आ रहा है, ये देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है, इस तरह का नजर आ रहा है। इस तरह में ये क्या होती है, लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी, पाई आर, और ये क्या होगी,
चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है एल, तो ये है एक आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई यहां पर कितनी है पाई आर, और चौड़ाई कितनी है एल, तो क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर एल। अब ये पूरा शंकु जो मैंने उसको उधेड़ करके इसका क्या बनाया था रेक्टेंगल, तो ये फिर एरिया किसके बराबर हो गया, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि वही जो है उसी को मैंने उधेड़ के बिछा दिया, काट काट के बिछा दिया, वो रेक्टेंगल का रूप बन गया, तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल। लेकिन इसके अंदर क्या यह बंद था या खुला था, ये खुला था, वक्र पृष्ठीय मतलब खुला, तो ये फिर कौन सा हुआ शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया पाई आर एल। तो आपको इस बात में कोई दिक्कत संशय नहीं होना चाहिए भी पाई आर एल कैसे बना, एल इसकी तिर्यक ऊंचाई थी जो चौड़ाई का रूप ले लिया, और ऊपर जो इसका जो सर्कमफ्रेंस था परिधि थी उसने लंबाई का, उसने लंबाई का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से जो किस प्रकार से क्षेत्रफल बना वो आपने समझ लिया। अब चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय पर, कहां चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय के अंदर क्या होता है, ये देखिए बंद कर दें इसको, ये क्या हो गया बंद, तो बंद के अंदर हमने एक वृत्त और जोड़ दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम और जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय प्लस जो उधार कह लो या एक सिरा कह लो आधार का क्षेत्रफल या ऊपर वाला सिरा इसका जो वृत्ताकार, कैसा वृत्ताकार, तो पाई आर एल प्लस अब जो ऊपर जो उसका ढक्कन था जो उसका सिरा था जो उसको आधार कह लो उल्टा करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या क्या कॉमन आ गया, एक पाई और एक आर अंदर क्या बच गया एल प्लस आर, चाहे ऐसे लिख लो पाई आर आर प्लस एल, तो ये देखिए पाई आर आर प्लस एल। तो इस प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर ये खुला है या तो ऊपर से बोल लो या नीचे से बोल लो, अगर ये खुला है तो कौन सा लगेगा वक्र पृष्ठीय, अगर ये बंद है तो कौन सा लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सवाल को देखने के बाद पता चलता है। तो आइए उदाहरण के रूप में अब अगली एक्सरसाइज में इसके कुछ सम करते हैं। तो उदाहरण के रूप में एक्सरसाइज 13.3 का जो फर्स्ट सम है, एक शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु है इसके आधार का व्यास कितना है यहां तक 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी फिर 10.5 बटा में 2 या 105 बटा में 20 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो L है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला अभी भी डिस्कस किया था पाई आर एल, तो ये पाई आर कितना है 105 बटा में 20, एल कितना है 10, तो काटना है सिर्फ हमें 0, 11, 7 × 7 35, तो 11 गुना में 15, तो 15 × 15 एक आसन, 15 × 16 वर्ग सेंटीमीटर होता। तो यहां पर देखिए वक्र पृष्ठ बोला था अकेला, वक्र पृष्ठ के अंदर पाई आर एल लगता है, इस प्रकार के सम
पूरा हो। एक और सम करके हम देखते हैं, एक शंकु का कुल प्रस्थीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये शंकु, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 21 मीटर और व्यास 24 मीटर। तो कैसे? शंकु का व्यास हमारे पास है 24 मीटर, तो त्रिज्या जो आर है इसकी कितनी हो जाएगी? आधी 12, कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई L 21 मीटर, कितनी? 21 मीटर। हमें कौन सा निकालना है? कुल प्रस्थीय क्षेत्रफल, कुल प्रस्थीय क्षेत्रफल। कुल प्रस्थीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पाई आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 12 गुना में आर प्लस एल, 12 प्लस 21। तो 22/7 गुना में 12 गुना में 33। अब कटता तो है नहीं, गुना ही करना बचा है। तो 33 गुना में 22, 22 दिया 66, 22 दिया 66 और 6 72, 726 गुना में 12/7। तो 12 6 72, 7 बज गए 12 24 और 7, 31 3 84 और 3, 87 12/7 वर्ग मीटर उत्तर। तो उम्मीद करता हूं ये सम भी आपने अच्छी तरह से देख लिया है और समझ लिया है। आज के लेक्चर में किस तरह से शंकु का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो आपने समझा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। आपका बहुत बहुत